आज गोवा से ऊना आने वाली ट्रेन में करसोग क्षेत्र के लगभग 1.5 दर्जन युवा अपने प्रदेश लौट रहे हैं, जिसको लेकर संबंधित परिवारों में खुशी का माहौल है। करसोग क्षेत्र से संबंध रखने वाले अनेकों युवा गोवा में होटल व्यवसाय का कारोबार करते हैं तथा कर्फ्यू के चलते गोवा में फंसे हुए थे। प्रदेश सरकार की पहल के चलते आज गोवा से ऊना विशेष ट्रेन में लाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन आज सायं करीब 6 बजे चलेगी, ऐसा बताया जा रहा है तथा उसमें करीब 1600 यात्री आ रहे हैं। गोवा से आने वाली ट्रेन 15 मई को ऊना पहुंचने के बारे में कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं श्री राम ठाकुर, करसोग मंडी हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं और मेरे साथ यहां करसोग से कम 20 से 25 लोग जो मेरे साथ काम करने आए थे और हम लॉकडाउन के चलते यहां फंस गए हैं और हमें आज बहुत खुशी की बात हो रही थी। हिमाचल सरकार हमें यहाँ से ट्रेन के जरिए घर वापस ले जा रही है और हम अपने मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा बहुत संघर्ष लिया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया जो कि हमें यहाँ से ट्रेन के जरिए घर वापस ले जा रहे हैं और हम उनके दिए गए निर्देशों का बहुत 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 पालन करेंगे। सर, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम मानव ठाकुर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली सोमाकोटी से हूँ। तो आज जो गोवा से जो करसोग के युवा जो वहाँ काम करते हैं, हमें पता चला है कि 18 से लगभग 24 लोग जो हैं करसोग आ रहे हैं, उसमें आपके परिवार से भी कुछ लोग हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे परिवार से 3 सदस्य हैं जो गोवा में फंसे हुए हैं, जिन्हें काफी टाइम हो गया लॉकडाउन के बाद, वो वहीं पर हैं। और किसके अपने प्रयासों से आ रहे, किस प्रकार आ रहे? नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या है, जो अभी सरकार जो हेल्प कर रही है, ठीक है, जो प्रदेश की सरकार ने जैसे नोडल ऑफिसर्स के नंबर निकाले थे, फिर उनसे ताल्लुक हुआ, उनसे फोन पे बात हुई, फिर उन्होंने जो भी हेल्प करी, प्रदेश की सरकार जो हेल्प कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हेल्प कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी पता चला हमें, तो सारी सुविधा जो मिली उसके बावजूद जो है अभी उनको जो है ट्रेन की सुविधा वहां से मिली है। आपकी बात हुई है सवेरे उनसे? हाँ, मेरी आज ही सुबह उनसे बात हुई है, 10 बजे उन्होंने रिपोर्टिंग किया है मड़गांव रेलवे स्टेशन जो गोवा में पड़ता है। और यहाँ कहाँ पहुंचेंगे प्रदेश में? अभी पता चला है कि ऊना तक उनको लेके आ रहे हैं बाय ट्रेन द्वारा। परिवार में किस प्रकार का माहौल है? हाँ, परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है इस टाइम। हम तह दिल से प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को धन्यवाद करते हैं। घर में काफ़ी अच्छा माहौल है इस टाइम, सब खुश हैं। तो बाकी जो अभी प्रिकॉशन के लिए जो कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंस, ये अभी भी हम मेंटेन कर ही रहे हैं, आगे भी मेंटेन करेंगे, इसमें हम ही सब लोगों का बचाव है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे तरीके से निभाएंगे इन सारी चीज़ों को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू सर। सरकार के निर्देशों के तहत गोवा से एक स्पेशल ट्रेन हिमाचल प्रदेश आ रही है और उसमें करसोग उपमंडल के भी लगभग 24 व्यक्ति यहां पर पहुंच रहे हैं और उन 24 व्यक्तियों को क्वारंटाइन करने के लिए प्रशासन द्वारा यथोचित प्रबंध किए गए हैं और जैसे ही वो ऊना में आते हैं वहां से स्पेशल बस द्वारा करसोग लाए जाएंगे और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने में जयराम सरकार सफल हुई है। समस्या की इस विकट घड़ी के दौरान जनहित के प्रति निर्णय लेकर के सरकार ने प्रदेशवासियों को बहुत राहत पहुंचाई है, जिसके लिए मैं जयराम सरकार जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जयराम सरकार ने डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारियों को कोरोना के दौरान हुई मृत्यु परिवारों के लिए जो है 50 लाख रुपये की घोषणा जो की है वो बहुत स्वागत योग्य है और प्रदेश में जो हमारे वृद्धजन है और अपंग बहने अपंग लोग हैं जो विधवा बहने हैं उनके लिए स्पेशल उनके खाते में 3 मास के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो जमा करवाई है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके लिए 1,20,000 महिलाओं के लिए जो है पात्र व्यक्तियों के लिए उसका जो लाभ हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत भी पात्र व्यक्तियों के लिए जो है ये गैस दी जा चुकी है और जिसमें 3 लाख परिवारों को ये लाभ हुआ है
और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी 6,12,000 प्रदेश की बहनों के खाते में सीधा पैसा 500 रुपये प्रति जो है मास वो जमा हुआ है, 3 महीने के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में जमा किया है। और संकट की इस घड़ी में जो जयराम सरकार ने जनहित के जो निर्णय लिए हैं, इसके लिए हम माननीय जयराम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही कोरोना मुक्त होने वाला है, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।